फ्रेजिल होने के बाद में करीब 0.42 सेकेंड के बाद में दो स्टेप ऑन इग्नाइट होंगे, उसके बाद में फिर और 200 मिली सेकेंड यानी करीब पॉइंट अन्य दो स्टेप ऑन माइनस वन मिनट होंगे। इसके बाद में ये जो रॉकेट है ये धीमे धीमे यूटी यानी जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं टावर, उसको धीरे धीरे वो क्रॉस करेगा। माइनस आने के बाद 25 सेकेंड के बाद में बचे हुए जो दो स्टेप ऑन रॉकेट के द्वारा किया जाएगा माइनस 40 सेकेंड से लॉन्च है। दो रॉकेट प्रचलित होंगे छोटे से, अब मैं आपको ध्यान से देखते हैं। 15 सेकेंड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दिखाए जा रहे हैं जो जो डॉट चल रहा है जैसे हमने प्रिडिक्शन किया है लाल लाइन से उसके ऊपर हरे रंग का डॉट। सेकंड के बाद में जो स्टेप ऑन इग्नाइट किए गए थे वो अब मुख्य रॉकेट से अलग हो गए हैं। एनिमेशन ऑफ द लॉन्च ऑन इंस्ट्रक्शन एट सेकंड स्टेज बर्न आउट इज अचीव्ड, थर्ड स्टेज सेपरेटेड, थर्ड स्टेज इग्नाइटेड, सेकंड स्टेज। करीब 0.42 सेकेंड के बाद में दो स्टेप ऑन इग्नाइट होंगे, उसके बाद में फिर और 200 मिली सेकेंड यानी करीब पॉइंट अन्य दो स्टेप ऑन माइनस वन मिनट होंगे। इसके बाद में ये जो रॉकेट है ये धीमे धीमे यूटी यानी जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं टावर, उसको धीरे धीरे वो क्रॉस करेगा। इसके आने के बाद 25 सेकेंड के बाद में बचे हुए जो दो स्टेप ऑन रॉकेट के द्वारा किया जाएगा माइनस 40 सेकंड जैसे अबाउट 35 सेकंड से लॉन्च है। दो रॉकेट प्रचलित होंगे छोटे से, अब मैं आपको ध्यान से देखते हैं। माइनस 15 सेकंड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जा रहे हैं जो जो डॉट चल रहा है जैसे हमने प्रिडिक्शन किया है लाल लाइन से उसके ऊपर हरे रंग का डॉट। सेकंड के बाद में जो स्टेप ऑन इग्नाइट किए गए थे वो अब मुख्य रॉकेट से अलग हो गए हैं। एनिमेशन ऑफ द लॉन्च ऑन इंस्ट्रक्शंस एट सेकंड स्टेज बर्न आउट इज अचीव्ड, थर्ड स्टेज सेपरेटेड, थर्ड स्टेज इग्नाइटेड, सेकंड स्टेज।